नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेल्थ अवेयरनेस। दोस्तों आज मैं बात करूंगा निर्गुंडी के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों ये वीडियो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ दोस्तों ये जो वीडियो को है वो आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और आप अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मोनेटाइजेशन अभी इनेबल नहीं हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में बाय मी ए कॉफ़ी की एक लिंक होगी दोस्तों, वहाँ पे जाके हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ दोस्तों आप हमारी मदद करिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो शुरू करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ना निर्गुंडी है, और ये जनरली आपको जो है सिटी में इसका प्लांट आपको जनरली नहीं मिलेगा, आपको आउटसाइड में ही मिलेगा। मैं आपको इसकी पहचान बता दूं, जब आप इसे पीछे से देखेंगे ना तो आपको ये थोड़ा सा सिल्वर जैसा लगेगा। इसमें बैक साइड में बहुत ज़्यादा शाइन होती है और उसकी पत्ती थोड़ी सी ऐसी लंबी होती है। आप एक बार इसकी पहचान कर लीजिएगा, इसको दोस्तों निर्गुंडी कहते हैं। और इसकी जो दोस्तों बहुत सारे वैसे यूजर्स हैं, ये काफ़ी लाभकारी पौधा होता है, पर मैं आपको आज इसका जो यूज़ बताने वाला हूँ वो बहुत लाभकारी है। और मेरी मम्मी जो है उनको भी बहुत दोस्तों उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और मैं बताता हूँ आपको करना क्या होगा। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है अभी जैसे हम लोग कोविड से उभर रहे हैं, या फिर जिसको कोविड हुआ है और उसमें उन लोगों में देखा जा रहा है कि बॉडी पेन बहुत होता है बहुत लोगों को। और ऐसे ही जनरली भी बहुत जो लोग हैं जो बैक पेन से या अर्थराइटिस से जो है पीड़ित लोग जो है, जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, उन लोग के लिए जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है दोस्तों। ना ही आपको इसे खाना है, ना ही आपको कुछ करना है। आप जो है दोस्तों पानी जब गर्म करते हैं तो उस गर्म पानी में दोस्तों आप इतनी जो है, मैं दिखा देता हूँ, इतनी पत्तियाँ जो है लेके दोस्तों गर्म पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। जैसे कि जो हम पानी जैसे गर्म करते हैं, मान लीजिए अगर आप हीटर में गर्म कर रहे हैं या इमर्शन रॉड में गर्म कर रहे हैं, तो इमर्शन रॉड को पानी में बकेट में डाल दीजिएगा और उसमें जो है दोस्तों ये पत्तियाँ डाल दीजिएगा। या अगर आपके पास चूल्हा है तो और ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें दोस्तों ये जो है आप निर्गुंडी की पत्तियाँ डाल के जो है उबाल लीजिएगा अच्छे से। गैस पे भी कर सकते हैं, आपको जैसे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर लीजिएगा। जब पानी दोस्तों अच्छे से उबल जाए, जब पानी उबलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके जो एक्सट्रैक्ट है वो उस पानी में आ जाएंगे। और आपको यहाँ दोस्तों ये करना है कि आपको जो है सर से मत डालिएगा पानी, जो है शोल्डर से डालिएगा, और शोल्डर के नीचे से जो है इस पानी का जो है प्रयोग करिएगा। जब भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो पानी गर्म होता है वो हमें सर से नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, जस्ट और कोई रीज़न नहीं है। तो शोल्डर के नीचे से डालिएगा और दोस्तों आप देखेंगे कि आपको हफ्ते दो हफ्ते में जो है आपकी जो बॉडी पेन है उससे जो है आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही लाभकारी पौधा है और आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको ये पौधा बहुत आसानी से भी मिल जाएगा। सिटी के आउटसाइड में जो है आपको ये प्लांट ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत कॉमन पेड़ है हमारे यहाँ, निर्गुंडी करके आता है। मैंने इसकी पहचान भी आपको बता दिया, आप बैक साइड से देखेंगे तो आपको इसमें शाइनी दिखेगा, जैसे सिल्वर में हमारे कैसे चमक होती है वैसे ये जो है चमक होती है इसमें। इसकी डंडी भी जो है दोस्तों वो ऐसी चमकती है सिल्वर जैसी, तो ये इसकी पहचान है और बहुत ज़्यादा सिंपल सा। और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो आपको कहीं जाना ही नहीं है। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।